हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुचि व्लॉग्स। इस व्लॉग में मैं वो सारे फूड शेयर करूंगी जो मैंने यहाँ पे टेस्ट किया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इडली ट्राई किया था। यहाँ पे इडली बहुत टेस्टी मिलती है। ये इडली 30 रुपीज़ की है, 30 में 4 इडली होती है। और ये है मैसूर मसाला डोसा, तो ये भी बहुत टेस्टी होता है। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सब्जियाँ वगैरह ऐड करते हैं। और मैसूर मसाला मोस्टली मुंबई साइड में ही मैंने देखा है, मुझे लखनऊ में यहाँ पे डोसे की दुकान पे कहीं नहीं देखा। उसके बाद यहाँ पे मैं सोडा ट्राई कर रही हूँ। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सोडा मिलता है और इनका प्राइस जो है वो 20 रुपीज़ ही है। और बहुत मैंने यहाँ पे दो सोडा ट्राई किया था, एक सिंपल जो होता है और एक मैंने काला खट्टा ट्राई किया था, वो भी बहुत टेस्टी होता है। और यहाँ पे आप कोई भी वैरायटी का सोडा लो, आपको सबका रेट एक ही होगा, 20 रुपीज़ ही सबका रेट है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे बनारसी चाट ट्राई कर रही हूँ। बनारसी चाट बहुत टेस्टी होता है। ये बनारस की है बट मैं यही मुंबई में आके ट्राई कर रही हूँ। थोड़ा फनी है बट बहुत टेस्टी है। तो अपने यूपी का कुछ भी हो तो ट्राई करना चाहिए, तो मैंने सोचा मैं ये भी ट्राई करती हूँ। ये बहुत टेस्टी होता है इसलिए मैंने यहाँ पर बनारसी चाट भी ट्राई किया। मुंबई में हर तरह के फूड मिल जाता है, आपको कुछ भी खाना हो आपको यहाँ पे वैरायटीज़ ऑफ फूड्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं हॉट एंड स्पाइस का चाइनीज़ टेस्ट कर रही हूँ। मैं जब भी मुंबई आती हूँ मैं यहाँ का चाइनीज़ ज़रूर खाती हूँ। ये मैंने पनीर चिली ड्राई मंगाया था। यहाँ पर हर तरह के चाइनीज़ मिलते हैं और ये फूड शॉप सिर्फ चाइनीज़ की है, क्योंकि मैं नूडल्स वहाँ पे नहीं खा पाई थी इसलिए मैं ये घर पे ले आई थी। ये चिली सेज़वान नूडल्स कुछ इसका नाम था, बट ये भी बहुत यम्मी होता है, बहुत टेस्टी होता है। उसके बाद ये यहाँ पर मैंने फालूदा भी ट्राई किया।